दिल्ली में एक दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। कत्ल की वजह सिर्फ 100 रुपए बताई गई है। मनोज गुप्ता की यह रिपोर्ट। बीच सड़क पर पुलिस कत्ल के सुराग ढूंढ रही है। एक पुलिस वाला टॉर्च लेकर छानबीन कर रहा है। यहां मैं 100 रुपए के लिए कत्ल हो गया। 100 रुपए कर्ज नहीं लौटाने पर दोस्त ने दोस्त को मार डाला। जो हत्यारा है, जो इसने भी गलत किया काम किया है, उन दोनों बीच में 100 रुपए कोई लेन देन था। रोहिणी में सेक्टर 7 और 8 के डिवाइडर रोड पर ये वारदात हुई। सेक्टर 7 के रहने वाले ऑटो ड्राइवर दीपक को उन्हीं के दोस्त मोन्टू ने चाकू से गोद कर मार डाला। 50 साल के दीपक की मौत की खबर लगते ही घरवाले मौके पर पहुंचे। वारदात रात करीब 12 बजे की है। दीपक और मोन्टू घर के पास ही पार्क में बैठकर ताश खेल रहे थे। तभी मोन्टू दीपक से अपने 100 रुपए मांगने लगा। दोनों में बहस शुरू हो गई। नोकझोंक के बाद मोन्टू ने दीपक की हत्या कर दी। मर्डर के वक्त मोन्टू शराब के नशे में था, इस वजह से हत्या के बाद भी वो भाग नहीं सका। यहाँ से गुजर रहे लोगों ने तुरंत मोन्टू को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी मोन्टू से पूछताछ कर जांच में जुटी है। अभी वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे जयपुर में भाई ने क्यों किया भाई का अपहरण।